हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रजापति समाज के सामूहिक विवाह समारोह में एक दूजे के लिए 11 जोड़े वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के बीच सात फेरे लिए। साने राव बिरामी गांव के सरिया देवी मंदिर परिसर में संत महात्माओं के पावन निशा में गुरुवार को प्रजापति कुंभकार समाज की ओर से शियादे सेवा समिति भीमराव परंगना बिरामी के बैनर तले द्वितीय सामूहिक विवाह समारोह कोविड गाइडलाइन की पालना करने हेतु अलग अलग दो पारियों में 11 जोड़े के विवाह की रस्म वैदिक रीति रिवाज एवं मंत्रोच्चारण के साथ नव दंपति के अग्नि के समक्ष सात फेरे लेकर हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ संपन्न हुई। विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन के साथ उनके परिवार वाले और रिश्तेदार भी शामिल थे। इस दौरान मंडप में प्रवेश से पहले ही गेट पर आने वालों के हाथ सैनिटाइज किए गए और जिनके पास मास्क नहीं था उन्हें सामूहिक विवाह समिति के सदस्यों की ओर से मास्क भी दिए गए। संत हुक्म भारती जी महाराज, वल्लभ गिरी जी महाराज, रामदास जी महाराज की पावन निशा में पंडित अर्जुन व्यास, जितेंद्र व्यास के साथ ब्राह्मणों ने मंडप में बनी वेदी के सामने सभी नव दंपतियों को बैठाकर हवन कराया और वैदिक रीति रिवाज से विवाह की रस्म पूरी की। इस दौरान सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत, गांव के मुखिया अर्जुन सिंह करनोत, मारवाड़ गोड़वाड़ जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जयदेव सिंह राणावत, बिरामी सरपंच उप सरपंच मनोहर सिंह करनोत, ग्राम विकास अधिकारी भगवत सिंह राठौर सहित उपस्थित अतिथियों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देने के साथ ही विवाह का प्रमाण पत्र भी दिया। कार्यक्रम स्थल पर 22 वर वधु समेत करीब 400 से अधिक लोग मौजूद रहे। कोरोना के बीच अनूठा सामूहिक विवाह समाज की ओर से गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्थाएं बनी मिसाल। बिरामी गांव में प्रजापति कुंभकार समाज का द्वितीय सामूहिक विवाह में 11 जोड़े एक साथ परिणय सूत्र में बंधे। कोविड-19 के प्रतिबंधों के तहत जब एक शादी में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते तो सामूहिक विवाह के बारे में सोचा भी कैसे जा सकता है। लेकिन पाली जिले के बिरामी गांव में 3 फरवरी को श्री प्रजापति कुंभकार शियादे सेवा समिति भीमराव परगना बिरामी के बैनर तले गुरुवार को हुआ सामूहिक विवाह समारोह एक अनूठी मिसाल पेश की है। श्री प्रजापति कुंभकार शियादे सेवा समिति भीमराव परगना बिरामी के बैनर तले द्वितीय सामूहिक विवाह शियादे माताजी मंदिर परिसर में बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इससे पूर्व 2 फरवरी को शियादे जयंती पर विशेष पूजा अर्चना एवं शांति हवन यज्ञ संत महात्माओं की पावन ईर्षा में वेद पंडितों द्वारा किया गया। कोरोना काल में हो रहा सामूहिक विवाह समारोह कई मायनों में अनूठा साबित हुआ है। यहाँ पर कोविड गाइडलाइन के अनुरूप 11 जोड़े 11 अलग अलग शादी मंडप में दो पारियों में अग्नि के समक्ष सात फेरे लेकर जिंदगी के नए सफर को निकले। सभी 11 विवाह स्थलों पर पहले से ही निर्धारित किए हुए 50-50 अतिथि ही शामिल हुए। शियादे सेवा समिति के संरक्षक लालाराम प्रजापत कोसेला, समिति अध्यक्ष शंकरलाल प्रजापत बिरामी के नेतृत्व में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में उपाध्यक्ष गणेश प्रजापत सुमेरपुर, सचिव संग्राम प्रजापत खिमाड़ा, राकेश भाई सुमेरपुर, मूलाराम साणेराव, घीसूलाल कोसेला, मोतीलाल सुमेरपुर, लालाराम कोसेलाव, भूराराम खागड़ी, प्रेमाराम सांडेराव, हंसाराम सांडेराव, तगाराम बाबागांव, नेनाराम खिमाड़ा, मूलाराम सांडेराव, रघुनाथ राम सांडेराव सहित समाज बंधुओं ने पूर्ण रूप से सहयोग किया। इन 11 नव दंपति ने अग्नि के समक्ष सात फेरे लेकर एक साथ जीने मरने की खाई कसमें। श्री प्रजापति कुंभकार शियादे सेवा समिति भीमराव परगना बिरामी के बैनर तले गुरुवार को सुबह 7 बजे 5 नव दंपतियों ने व 11:30 बजे करीब दूसरे 6 नव दंपतियों ने विवाह मंडप में अग्नि के समक्ष सात फेरे लेकर संत महात्माओं के साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजा कुमारी बाबागांव संघ विनोद कुमार धणा, वर्षा कुमारी खागड़ी संघ सागर कुमार पालड़ी जोड़, कविता कुमारी खिमेल संघ विक्रम कुमार बाली, शांति कुमारी तखतगढ़ संघ लक्ष्मण कुमार, रेखा कुमारी तखतगढ़ संघ कमलेश कुमार, बदामी कुमारी तखतगढ़ संघ महेंद्र कुमार नवाखेड़ा, रेखा कुमारी केसूरी संघ दिनेश कुमार सोनाई माजी, कुसुम कुमारी केसूरी संघ प्रकाश कुमार, पूजा कुमारी रुड़मार की दानी संघ शैतान राम, सेवंत्री कुमार तखतगढ़ संघ शांतिलाल चरली, वीना कुमारी खिमेल संघ ताराराम चाचौड़ी सभी 11 जोड़ों को 2 अलग अलग पारी में सामूहिक विवाह समारोह की रस्म अदा करवाई गयी। जागरूक टीवी के साने राव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।